हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्लांट गार्डनर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पे हमें पैज कैसे उगाने हैं। तो मेरे पास ये जो है सफ़ेद वाले पैज है, तो मैं इसे अभी, ये जो मेरे पास एक बोनसाई पॉट था, इसमें मिट्टी भर के मैं इसमें ही लगा दूंगी, क्योंकि इसे बहुत सारी स्प्राउटिंग भी हो चुकी है और ये जो है फिर प्याज सूखने लगते हैं जब भी इसे स्प्राउटिंग हो जाती है। तो बहुत ही आसान है इसे लगाना। सिर्फ ऐसे मिट्टी थोड़ी गीली करके उसमें लगा देना है और कुछ दिनों में ही इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। सिर्फ ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखे, लगाने के बाद इसे छाँव में रख देना। और ये जो पैज है, ये इसके लीव्स हमें खाने के लिए बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो हम इसे फास्ट हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सब मैंने लगा दिए हैं। अब मैं आपको, ये जो है 2 दिन बाद का वीडियो है और ये मैंने पहले ही 2 पैज लगा रखे थे, इसे अभी लगभग 8 दिन हो गए होंगे, तो इतनी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। तो ये जो है लीव्स हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने लगाए हुए पैज है, 5 दिन बाद का मैंने इसका जो रिज़ल्ट है वो रिकॉर्ड किया है। ये 5 दिन बाद इतनी ग्रोथ हो भी चुकी है इसमें, और अभी इसे कंटिन्यूस वाटरिंग करते रहना है, और ये मेरे पैज अभी और बढ़ गए, बहुत ही घने हो चुके हैं, ये काफ़ी पत्तियाँ आ गई है इसमें। तो इस तरह से ये जो मेरा पैज का वीडियो है, ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके भी घर पे अगर कुछ पैज को स्प्राउटिंग हो चुकी है तो आप भी उसे लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।